Disco. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मिरचा। दोस्तों, हम में से जिनके बाल वेवी होते हैं, कर्ली होते हैं, उनको स्मूदनिंग कराने का, रिबॉन्डिंग कराने का बहुत मन करता है, क्योंकि स्ट्रेट बाल हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और काफ़ी टाइम से ये फैशन में भी हैं। मेरे भी काफ़ी ज़्यादा वेवी बाल थे, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम स्मूदनिंग कराई थी, आई थिंक पहली बार मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, तो मुझे ऐसा चस्का सा लग गया कि अब बार बार मन होता है, जैसे ही बाल बढ़ते हैं वैसे लगता है कि स्मूदनिंग या रिबॉन्डिंग करवा लो। तो स्मूदनिंग करवाना ही सिर्फ एक जो है काम नहीं होता है, उसके बाद भी हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि स्मूदनिंग कराने के बाद हमें कौन सा हेयर कलर यूज करना चाहिए और कितने टाइम के बाद स्मूदनिंग के हमें हेयर कलर को लगाना चाहिए। तो मैं अपनी बात बताती हूँ कि जिस टाइम दो बार, वैसे तो मैं पहले भी करवा चुकी थी जो है स्मूदनिंग एंड रिबॉन्डिंग, बट ये रहता ना कि एकदम से याद नहीं रहता है कि आप जब जा रहे हो तो क्या काम पहले करा कर जाना है, क्या काम आपको बाद में करना है। जब मैं गई जो है स्मूदनिंग के लिए, तो वहां पर उन्होंने बोला कि आपके बाल व्हाइट हैं और अगर आपको कलर लगाना था तो अपने कलर को लगाकर आना चाहिए था, क्योंकि अब आप कम से कम 1 से 2 महीने तक अपने बालों में कलर नहीं लगा सकते हो। और प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे 10 या 15 दिनों के बाद ही एक जो है फंक्शन अटेंड करना था, तो मुझे कलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं चूंकि बैठ चुकी थी, काम स्टार्ट हो चुका था, तो मैं वहां से आ भी नहीं सकती थी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा कलर लगाते हैं वो लोग। आई थिंक उन्होंने कुछ 1000 या कुछ ऐसे ही मुझे बताया, अराउंड 800 या 1000 रुपीज़ बताया सिर्फ टचअप के, रूट टचअप के। तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं मैं अभी नहीं करा सकती हूँ, आप अभी स्मूदनिंग कर दो, बट मुझे कम से कम 12 दिन के बाद कलर अपने बालों में लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर आप जो मैं बताऊंगा वही कलर अप्लाई करोगे और सिर्फ रूट टचअप करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप स्मूदनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने बालों में पहले से कलर लगा लेना है, ऐसा सालों वालों ने मुझे बताया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। तो आप जाएं तो उसके पहले आप कलर लगा कर जाएं, क्योंकि जब आप स्मूदिंग करा लेते हो तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने का वेट करना पड़ता है, तब आप अपने बालों में हेयर कलर दोबारा लगा सकते हो। तो और वो भी आप नॉर्मल वाला कोई भी हेयर कलर नहीं लगा सकते हो, जैसे मैं पहले गार्नियर का हेयर कलर यूज करती थी, तो उसमें लिखा तो रहता है नो अमोनिया, बट जो पार्लर वाले हैं, सैलून वाले हैं, वो बोलते हैं कि उसमें लिखा भले ही हो लेकिन उसमें अमोनिया होता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था लॉरियल का ये वाला का इनोवा कलर सजेस्ट किया, ये अमोनिया फ्री है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये इसकी डेवलपर बॉटल है और ये इसका कलर है। तो कलर में भी आपको इसमें कई सारे शेड्स मिल जाएंगे, ये 3 नंबर है जो कि है डार्केस्ट ब्राउन कलर, जैसे कि मैं पहले भी लगाती थी डार्केस्ट ब्राउन, तो उन्होंने मुझे ये कलर सजेस्ट किया। और ये बॉटल चूंकि बहुत बड़ी मिली, जहां से मैंने परचेज किया वहां भी और सैलून में भी उन्होंने बोला कि आपको 1 लीटर से कम की नहीं मिलेगी, तो मैंने ये 1 लीटर की मुझे मजबूरी में परचेज करनी पड़ी, मुझे पता कि मैं इसको जल्दी से नहीं फिनिश कर पाऊंगी। और इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊं तो इसका प्राइस है 1125 रुपए, 1125 रुपीज, और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 इयर्स की। तो काफी बड़ा बॉटल है ये, मुझे लग रहा है कि मैं इसको फिनिश नहीं कर पाऊंगी। हाँ, ये जो कलर का इसका ट्यूब है, ये जो है मुझे बार बार परचेज करना पड़ेगा अलग से। तो इसमें आपको मिल जाएगा ये छोटा सा जो है, इस तरीके का इसमें पूरा लीफलेट रहती है जो आप इसको देख के कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ अभी 2 बार यूज किया और आप देख सकते हो कि ये इतना फिनिश हो गया है। अभी मैं इसमें 1 या 2 बार या मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकती हूँ सिर्फ रूट टचअप के लिए। तो इसका जो प्राइस है वो है 445 रुपीज, एंड इसका जो नेट वेट है वो है 60 ग्राम्स का। तो ये कलर मुझे रिपर्चेज करना पड़ेगा, जैसे ये फिनिश हो जाती है ट्यूब वैसे ही, और ये तो आई थिंक 2 साल से भी ज्यादा चलेगा और बच भी जाएगा। तो जिस तरीके से स्मूदनिंग के बाद हमें अलग से शैम्पू एंड मास्क परचेज करना पड़ता है, नॉर्मल वाला शैम्पू या मास्क हम नहीं यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हमें अपना जो हेयर कलर है वो भी अलग से परचेज करना पड़ता है, जो नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं वो हमें यूज नहीं करना होता है।
तो लॉरियल में भी कई बार लोग सैलून वाले बोलते हैं ना लॉरियल का आप ले लीजिए, तो मैं कंफ्यूज थी कि लॉरियल का नॉर्मली जो हम ऑनलाइन देखते हैं या फिर नॉर्मली जो डब्बे में आता है वो लेना है, बट वो नहीं लेना था। मुझे इसी बार पता चला, इसके पहले मैं शायद वही यूज कर रही थी। खैर उससे भी मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे उससे मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बट एक होता है ना कि जब कोई आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डरा देता है कि नहीं आपको यही यूज करना है वरना आपके बाल खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, आपका जो स्मूदनिंग है वो जल्दी से खराब हो सकता है, और आप थर्ड टाइम करवा रहे हो तो आपको और भी केयर करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना जो ये बोल रहे हैं वही वाला परचेज कर लिया जाए। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये वाला उन्होंने सजेस्ट किया था, ये स्पेशली प्रोफेशनल यूज के लिए होता है, ये घर के यूज के लिए नहीं होता है। तो अगर आपके बालों में जो है स्मूदिंग हुई है या फिर आपको सजेस्ट किया है सैलो वालों ने, तो फिर आप परचेज कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल वाला ही यूज कर सकते हैं जो भी अमोनिया फ्री हेयर कलर आता हो। जैसे मैं लेने गई थी जब इसको, तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा मैं क्या करूंगी, तो उन्होंने बोला अगर घर में कोई और भी लगाता है हेयर कलर तो वो भी इसको यूज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अमोनिया फ्री है, कोई भी इसे लगा सकता है। तो आप मतलब इस तरीके से आप जल्दी इसको खत्म कर सकते हो। इसको लगाना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम नॉर्मल जो है कलर लगाते हैं, दोनों को बराबर मात्रा में लेना है और अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। तो जितना हमें क्वांटिटी इसकी लेनी है उतना ही हमें क्रीम भी निकालना है। इसके लिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कोई कांच की बोल लीजिए, कभी भी कोई मेटल का जो है आप बोल मत यूज कीजिएगा कलर के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाती हूँ, काफी ज्यादा थिक इसकी कंसिस्टेंसी है, मैं इसको निकाल कर दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है, कुछ इस टाइप से ये दिखाई देता है, काफी थिक यानी गाढ़ा सा है और इसके अंदर हमें कलर मिक्स करना है। इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। बालों में आपको रूट टचअप किस तरीके से करना है उसका एक सेपरेट वीडियो डिटेल में मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। यहां पर मैं फटाफट से अपने बालों में हेयर कलर लगा लेती हूँ और इसका क्या रिजल्ट आया वो मैं आपको दिखाती हूँ, और डिटेल वीडियो जैसे मैंने कहा आप उसमें देख सकते हो कि आप खुद से अपने बालों में फ्रंट में बैक साइड में कैसे कलर लगा सकते हो, उसका एक प्रॉपर वीडियो अपलोडेड है। तो बालों में कलर लगाने के लिए पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम कर लें और इस तरीके से पार्टीशन कर लें बालों का। और हाँ, ये एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी मैं इस तरीके का कोई हेयर कलर वाला वीडियो अपलोड करती हूँ, तो चाहे मैं कैमरे से रिकॉर्ड करूँ या फिर मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ, जो वाइट हेयर है या ग्रे हेयर है वो कभी भी अच्छे से शो नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि आपके तो बाल पहले से ही काले हैं तो आप जो है कैसे दिखा रहे हो हेयर कलर करके, बट एक्चुअल में वो करीब आधा आधा इंच तक मेरे ग्रे रहते हैं जड़ों पर बाल, बट उसमें शो नहीं होता। तो बस मैं वही बताना चाह रही थी कि है यहाँ पर, आप ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल ब्लैक बालों में ही कलर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप मांग निकाल निकाल के और मांग के दोनों साइड में आधा आधा एक एक इंच तक आप अच्छे से कलर को अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद आप अच्छे से कॉम भी कर लीजिए अप्लाई करने के बाद कलर को। दोनों साइड में हमें इसी तरीके से अपने बालों में पार्टीशन कर करके और कलर को अप्लाई करना है एंड कॉम करना है। इसी तरीके से बैक साइड के बालों में भी हमें करना है। बहुत आसानी से हो जाता है, आप अगर प्रीवियस मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और आप आराम से खुद का जो है कलर अपने बालों में खुद से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें करना है, और जब सारे बालों में कलर लग जाएगा तब हम सारे बालों को इकट्ठा करके और ऊपर एक बन बना लेंगे इस तरीके से, और उसको सिक्योर कर लेंगे। और इसके बाद जो फ्रंट में बाल होते हैं वहां पर भी कई बार छोटे छोटे से बाल रह जाते हैं वाइट कलर के जो कि दिखते हैं, तो उसको आप इस तरीके से जब सारे बालों में लग जाए कलर तब यहां पर भी आप अप्लाई कर लीजिए कलर, और उसके बाद हमें इसको छोड़ देना है करीब 45 मिनट तक, और उसके बाद हमें इसको सादे पानी से वॉश कर लेना है। तो इसको अप्लाई करके और मैं वॉश करके बालों को आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, करीब 45 मिनट्स मैंने कलर को रखा था अपने बालों में, और उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लिया है, और अब नॉर्मली सूख जाने देंगे, कुछ ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं बट मैं यूं ही सूखने दूंगी इसको। एंड जब कलर को वॉश करते हैं उसके बाद जो मास्क हमें दिया रहता है शैम्पू के बाद यूज़ करने के लिए, वो मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ जिससे कि बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा नरिश हो जाएंगे। तो बस मैंने मास्क लगा लिया था, 3 से 4 मिनट उसको अपने बालों में रखा और उसके बाद से हेयर वॉश कर लिए। तो बस ऐसे ही जो है करना है। और इस कलर की सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं पर भी स्किन पर लग जाता है तो स्किन पर कलर नहीं छोड़ता है। बालों को जरूर कलर करता है बट स्किन पर कहीं भी लग जाता है तो वो कलर जो एक दाग सा छोड़ जाता है
आता ना उस टाइप का इसमें बिल्कुल भी मैंने आज तक नहीं देखा। इसको मैं तीसरी बार आज लगा रही हूँ तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। इसका जो नेम वगैरह है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। वैसे ऑनलाइन ये मिलता नहीं है जल्दी से, ये आपको अपने पास की कोई भी कॉस्मेटिक्स शॉप होगी जहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहां पर मिल जाएगा, या फिर आई थिंक जो है मेडिकल पर शायद मुश्किल है, वो नॉर्मल वाला ही मिलता है, जो डब्बे आते हैं नॉर्मल वाले, वो क्रीम ग्लॉस वगैरह जो आता है वही मिलेगा। तो ये आपको स्पेशल कोई शॉप होगी जहां पर ये पार्लर वाले सारा प्रोडक्ट रखते होंगे ब्यूटी का, तो वहां पर आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन को तुरंत मिलेगी। एंड ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।